हेलो दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज का ये वीडियो, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हर वो प्लैनेट, हर वो ग्रह एक ऐसी जगह पर जाकर के पहुंचता है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में गंडंत पॉइंट कहते हैं। ये एक ऐसा जोन है, एक ऐसा एरिया है जहां पर जाकर के हर वो ग्रह जब भी इस जगह से गुजरता है उसमें आप कुछ तब्दीलियां महसूस करते हो। आज जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूं वो है मंगल, जो इस गंडंत पॉइंट पे पहुंचेंगे 17 जनवरी को और वो 21 जनवरी तक उस जगह पर, उस पॉइंट पे रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि मुझे सबसे पहले आपको ये समझाना होगा कि गंडंत पॉइंट होता क्या है और क्यों इतना महत्व है इस पॉइंट का। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे, जिसमें हमेशा जो पहला लग्न, जो पहली राशि होती है वो मेष है, और उसी तरह से ये एक कुंडली तैयार होती है। आप देखोगे लग्न को यहाँ पर, ये एक अग्नि तत्व राशि है, फिर पांचवें घर में अग्नि तत्व राशि है और फिर नौवें घर में अग्नि तत्व राशि है, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। जब भी कोई ग्रह इस राशि से एक राशि पहले जल तत्व की राशि होती है, यहां पर भी देखिए जल तत्व है कर्क और यहां पे है वृश्चिक, जिसमें आज मंगल विराजमान है। जब भी कोई ग्रह जल तत्व राशि में 29 डिग्री पे पहुंचता है, यानी कि बस वो तैयार है अग्नि तत्व में जाने के लिए, जैसे कि यहां पर मीन राशि से और रेवती नक्षत्र में 29 डिग्री पे है और वो जाकर के अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब तक वो यहां पे एक डिग्री में रहेंगे, ये 29 और ये एक जो है, ये जो बीच का जो दो डिग्री है, एक डिग्री उस तरफ एक डिग्री इस तरफ, इसे हम कहते हैं गंडंत पॉइंट। उसी तरह से रेवती अश्विनी, फिर यहाँ पर अश्लेषा जो कि कर्क लग्न में होती है और फिर सिंह में मघा, फिर वृश्चिक में आज मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जब वो 29 डिग्री पे आएंगे 17 तारीख को और वहां से इनका ये यात्रा शुरू हो जाएगी, जब तक कि एक डिग्री पे मूला तक नहीं पहुंचते, इसे हम गंडंत पॉइंट कहते हैं। अब आपको अपनी कुंडली में देखना है कि ये जो 8 और 9 नंबर लिखा है वो किस घर से इसका संबंध है, ताकि आपको पता हो कि आने वाले 17 तारीख और 21 तारीख के बीच में किस ऐसी जगह पे आपके साथ में थोड़ा बहुत जो ये परिवर्तन है वो नजर आएगा। परिवर्तन क्या है उसी के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। देखिए मंगल जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसमें ऊर्जा है, वो एक्शन वाला है, उसे हम सेनापति कहते हैं। ये गंडंता जोन से जब गुजरेंगे 17 तारीख से जनवरी की, आप एक देखोगे कि एकदम से अचानक से एक बिल्कुल शार्प, एक दोनों ही अलग राशियां हैं, एक जल और एक अग्नि। जल से कोई चीज अगर अग्नि में जाए तो उसके साथ में क्या हो सकता है, एक भाप की तरह, जैसे कहते हैं ना गर्म तवे पे अगर आपने छींटा मार दिया पानी का तो कैसे होता है। यहां पर आप देखोगे कि ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र प्रभावित हो रहे हैं। आपको जब भी कोई यह ग्रह, खाली मंगल की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई यह ग्रह इस जगह से गुजरता है गंडंत पॉइंट से, तो उसका जो कार्य तत्व है, उसको जो जिस चीज से संबंध रखता है उसमें एक तब्दीली आ जाती है, एकदम से इमोशन से एक्शन में आ जाना। अब देखिए जब भी कब कोई ग्रह इस बॉर्डर से, इस जगह से गुजरता है, तो उसमें एक एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। यकायक अगर मैं आपको किसी जगह पे, एक गर्म जगह से ठंडी जगह पे बिठा दूं या ठंडी जगह से मैं गर्म जगह पे बिठा, तो आपके बॉडी को भी समय लगता है उससे एडजस्ट होने में। ठीक उसी तरह से इस ग्रह को भी समय लगेगा और जब तक वो समय लगेगा तब तक एक ग्रह कुछ अलग ही विचित्र तरह की आपको चीजें आपके सामने प्रस्तुत करेगा। कोशिश ये होनी चाहिए और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस दौरान 17 तारीख और 21 तारीख के दौरान किसी भी तरह का नया कार्य ना करें।
ज्येष्ठा जो नक्षत्र है उसका संबंध है एक लड़ाई से, एक वॉर से, एक बैटल से। कभी कभी वो जंग आपके अंदर ही होती है, कभी आपके आसपास में वो एक जंग नजर आती है। वहीं पर मूला नक्षत्र जो है उसे हम कहते हैं सब कुछ तहस नहस कर देना, सब कुछ खत्म कर देना। अब खत्म करना मतलब आप अपने अंदर भी कोई चीज खत्म कर सकते हो, क्योंकि मूला नक्षत्र को जड़ माना गया है, तो आप जड़ तक उतर करके उस चीज को खत्म करने की कोशिश कर सकते हो। अब मंगल वृश्चिक राशि में, अपनी खुद की राशि में थे, तो वो कुछ चीजों को सोच रहे थे कि मैं ये काम करूंगा, मैंने अपने बारे में ये सोच रखा है और मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इसे प्राप्त करना है, ये वो सब सोच रहे थे। जैसे ही वो ज्येष्ठा नक्षत्र को छोड़ रहे हैं और मूला नक्षत्र की तरफ जा रहे हैं, तो आपको अपने आसपास, अपने अंदर हर जगह पे एक तरह का एक वातावरण नजर आएगा जहां पे चीजें चेंज हो रही हैं, तब्दीलियां हो रही है। हमेशा ये अच्छा हो जरूरी नहीं है, कुछ चीजें एक जंग से छिड़ जाती है, कभी वो जंग आपके अंदर होती है, कभी आपको बाहर सोसाइटी में, अपने सिटी में, अपने कंट्री में, दुनिया में, कहीं पर भी ये इस तरह की आप एक जंग देख सकते हो। क्योंकि मंगल का संबंध वो सेनापति है, तो ये डिफेंस को लेकर के भी इसमें चीजें हो सकती है। जब मंगल गंडनता पॉइंट के बिल्कुल छोर पे पहुंचेंगे, जब 29 डिग्री से पहुंचेंगे, आप देखोगे कि एकदम से कोई चीज उभर कर सामने आ जाएगी। एकदम से, मैं 17 तारीख और 21 तारीख के बीच की बात कर रहा हूं। उससे आपके अंदर का कुछ, जो उसको हम वैल्यूज कहते हैं, आपके अपने कुछ विचार हैं, आपके अपने कुछ चीजें हैं, उसको लेकर के आप बाहर निकलते हो। कभी कभी आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो आपके वैल्यू के साथ में अपने वैल्यूज को क्यों कहते हैं ना, उसका समीकरण बिठा नहीं पाते हैं, तो ये कभी कभी एक कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल सकता है। यहां पर मंगल एक सेनापति अगर इमोशनल हाउस में हो, क्योंकि वृश्चिक राशि बड़ी ही इमोशनल और इंटेंस राशि है, वहीं पर अगर आप धनु राशि को देखो तो ये फायर है, गुरु की राशि है, यहाँ पे विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, स्प्रेड होता है, ये चीज आप देख सकते हो। अगर आपको इस दौरान 17 तारीख और 21 तारीख के दौरान अगर आप में थोड़ा सा चेंजेस नजर आए और आप उससे परेशान हो रहे हो, तो अपने आप को किसी भी चीज में बिजी रखिएगा, और वो बिजी रखने में आपको अपना ध्यान ऐसे किसी कार्य में लगाना है जिसमें, जैसे कि कोई चीज़ का अध्ययन करना, नॉलेज गेन करना, और रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा अपने आप को समझना कि रिलेशन्स के अंदर मैं किस तरह से अपनी चीज़ों में तब्दीलियां लेके आ सकता हूँ। इतना आसान नहीं होगा। गंडन द पॉइंट मंगल पे ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल बड़ा इम्पल्सिव है, और ये जो नक्षत्र, दोनों नक्षत्र है, ज्येष्ठा और मूला, और ये गंडनता पॉइंट कोशिश करेगा कि मंगल को थोड़ा शांत करने की, ब्रेक लगाने की। ये एक अच्छा समय रहेगा अगर आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका, अगर उसका विस्तार तो होगा जब वो पूरी तरह से मूला नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 17 और 21 तारीख के बीच में ये जो हो सकता है कि बहुत से लोगों को समझ में ना आए कि मुझे इतना डिप्रेसिंग क्यों लग रहा है, एकांत क्यों लग रहा है, इमोशंस क्यों मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहा हूं, ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप देखोगे कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आसपास का वातावरण आपका 17 और 21 तारीख के बीच में कुछ अलग सा हो सकता है। ये कभी आपको कम्युनिटी में नजर आएगा, आपको वायरस में नजर आएगा, आपको कोविड के केसेस में नजर आएगा, बहुत सी चीजों में इस चीज को आप देखेंगे। मैं इसी बात को लेकर के आपके सामने ये परिस्थितियां
रखना चाहता था और मैंने इसीलिए इस वीडियो को आज अपलोड किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कोशिश किया करो कि आपको इसमें से क्या जानकारी आपके काम की लगी और क्या और जानकारी मुझसे आप प्राप्त करना चाहते हो, ताकि मैं अगले वीडियोस में इसको कोशिश करूं कि आपके सामने रखूं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।